बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नवाज़ अहमद, लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस, फॉरवर्ड डिग्री कॉलेज, हैदराबाद, सेकेंड ईयर में खुश आमदेद। कंप्यूटर साइंस में ये हमारा पहला लेक्चर है। आपकी बुक को दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हिस्सा जो है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे है। सी प्लस प्लस स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज हो डिस्कस करते हैं। 1966 में BCPL एंड BBCPL मुतारिफ कराई गई। बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो BCPL की एब्रीवेशंस। 1969 में बी यूनिक्स सिस्टम्स। 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज मुतारिफ करवाई जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई। इसके बाद 1980 में बजर ने स्ट्रोपा सी प्लस प्लस मुतारिफ करवाई। इसको पढ़ा जाता है बयर ने स्ट्रोप। सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज के बारे में जानना भी ज़रूरी है। सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ इट इज़ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट इज़ आइडियल फॉर डिवेलपिंग फर्मवेयर आर पोर्टेबल एप्लीकेशन ओरिजिनली फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या मतलब हुआ इसका कि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट इज़ डिज़ाइन टू बी यूज फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर इन द वाइडेस्ट वराइटी ऑफ एप्लीकेशन। इसमें कुछ एग्जाम्पल सी सी प्लस प्लस हो, सी हैश, कोबोल, फोर्ट्रन, PHP एक्सेट्रा। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है यानी कि जनरल पर्पस लैंग्वेज जो होती है वो सॉफ्टवेयर लाइक होती है। आप लोगों ने काफ़ी किस्म के सॉफ्टवेयर किए होंगे जैसा कि सी जावा जो है वेब पेज डेवलपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ साथ इसमें गेम वगैरह भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे फर्मवेयर का मतलब क्या हुआ कि विच इज़ एडिटिव एट द टाइम ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग इज़ यूज टू रन अ यूज़र प्रोग्राम ऑन द डिवाइस एंड कैन बी थॉट ऑफ एज अ सॉफ्टवेयर डेट अलाउज अ हार्डवेयर टू रन। मतलब ये हो गया कि फर्मवेयर जो होती है यानी कि मैन्युफैक्चर यानी कि एक प्रोग्रामर प्रोग्राम बना लेता है फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर में इसको कन्वर्ट करके एक हार्डवेयर में यूज़ किया जाता है। इस तरह के बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में सी प्लस प्लस का तारुफ करेंगे। उसके साथ स्ट्रक्चर हो गया और प्रोग्रामिंग के बारे में आपको एक सॉफ्टवेयर यानी कि इसका एडिटर बताएंगे कि आपने उसको इंस्टॉल करने के बाद कैसे इस्तेमाल करना है। थैंक यू।